सो so, दूसरा उदाहरण आपके सामने इस प्रकार है एक चर x जिसका का प्रायिकता द्रव्यमान फलन दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रायता चर के एक i मान लेने की का प्रायिकता द्रव्यमान होता है जैसा कि आपके सामने दिख रहा है और यहाँ पर वह चर का मान शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता तो इस जो प्रायिकता द्रव्यमान फलन में C एक समानता स्थिरांक है और इसका प्राचल या पैरामीटर लैम्डा है जो एक धनात्मक संख्या है जिसका मान हमेशा शून्य से ज़्यादा होगा तो अगर हमें प्रायिकता द्रव्यमान फलन दिया हुआ है तो हमें दो इच्छित प्रायिकताएं निकालनी हैं वह इस प्रकार है कि जब या चिकचर का मान शून्य होता है या उसका मान दो से ज़्यादा होता है तो आपने देखा या चिक्चर का मान शून्य एक दो से लेकर अनंत तक हो सकता है तो आइए इन प्रायिकताओं की गणना करें सो जैसा आप जानते ही हैं हमने प्रायिकता द्रव्यमान के बारे में जब पुनरावलोकन किया था तो बताया था कोई भी प्रायिकता द्रव्यमान होता है प्रायिकता किसी भी या शिक्षर के कोई विशेष मान लेने की तो यहाँ पर जो पी आई है वह प्रायिकता दर्शाता है याद शिक्षर एक्स के आई मान लेने की इसी तरह हमने पूर्व के उदाहरण में ही देखा कि अगर हमें कोई प्रायिकता निकालनी है किसी भी घटना की यहाँ पे घटना है कि याद शिक्षर का मान दो से अधिक हो तो हम उस घटना को पूरा घटना के रूप में भी निकाल सकते हैं जैसे कि वो पूरा घटना होगी अगर हमें या शिक्षा के दो से बड़ा मान लेने की प्रायिकता निकालनी है तो वो पूरा घटना हम ये कर सकते हैं कि एक ऋण एक पूर्ण प्रायिकता है तो जबकि यह हमारा चर का मान दो या दो से कम रहे तो इन दो युक्तियों का इस्तेमाल करके आइए देखें कि हम हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं इन प्रायिकताओं का तो पहले तो हमको इस प्रश्न में जो प्रायिकता का द्रव्यमान दिया है उसमें एक स्थिरांक दिया है जिसका कि मान निकालना होगा चूँकि स्थिरांक ये दिया है तो इस पहले हम इसका स्थिरांक का मान निकालेंगे स्थिरांक का मान निकाल लेने के बाद हम मांगी हुई प्रायिकताओं की गणना करेंगे तो जैसा आप जानते हैं कि प्रायिकता द्रव्यमान किसी भी या चर का अगर हम उसका योग समर्थ या उस चर के सभी मानों को लेने की संभावनाओं पर योग करेंगे तो उस प्रायिकता का योग इकाई होगा और इसी तथ्य का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं प्रायिकता स्थिरांक का मान तो जो हमें दिया हुआ प्रायिकता द्रव्यमान फलन है उसको हम यह योग करेंगे हमारे याचिक चर के सारे मान लेने की जो कि शून्य से लेकर अनंत तक है तो हमने इसको योग कर दिया और इस योग का मान हमें एक प्राप्त होगा यह हम प्रायिकता द्रव्यमान के परिभाषा से जानते हैं तो अब इसको सरल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उस तथ्य को कि अगर हमें कोई घातीय श्रेणी है जैसा कि ई घात एक्स की अगर कोई श्रेणी दी हो तो उसका जो फलन होता है वह हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक छोटे रूप में तो अब आप इसकी तुलना करके देख सकते हैं कि उपरोक्त फलन को हम संकुचित रूप से लिख सकते हैं अगर हम इस समरूपता का इस्तेमाल करें तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो स्थिरांक को छोड़कर शेष पद को हम लिख सकते हैं e के घात लैमडा लैमडा यहाँ पे प्राचल है और इसका मान होगा एक तो इससे हम निकाल सकते हैं कि स्थिरांक का मान E के घात ऋण लैमडा जो कि एक प्राचल है इस प्रायिकता का वह इसके रूप में हमें प्राप्त हो जाता है जब हमें यह प्राप्त हो जाता है तो हम अब इच्छित दो हमसे दो प्रायिकताएं मांगी गई उनकी गणना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं पहली प्रायिकता जो है कि हमारा चर का मान शून्य हो तो वह काफ़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं अभी हमको स्थिरांक का मान पता है ई के घात ऋण के रूप में तो अगर हम दिए हुए फलन जो प्रायुक्त दर्मान का फलन है उसमें i का मान शून्य रख दें प्रतिस्थापित कर दें तो हम देख सकते हैं कि वह सरलित होकर चूँकि किसी भी स्थिरांक के घात शून्य का मान एक होता है और शून्य का क्रम गुणांक का मान भी एक होता है अतः यह यह मान ई के घात ऋण लेमडा के रूप में प्राप्त हो जाता है इसी तरह अब हमें प्रायिकता निकालनी है जबकि हमारा याद शिक्षर का मान दो से बड़ा होता है तो वह प्रायिकता एक पूरक प्रायिकता के रूप में लिखी जा सकती है और यह प्रायिकता निकालना ज़्यादा आसान है चूँकि हमारा जो चर है उसका मान शून्य से लेकर अनंत की ओर जा रहा है तो ये काफ़ी संभावनाएं होंगी योग करने के लिए तो उसकी जगह हम एक पूरक घटना करें जिनका की मान आपको विदित ही है कि केवल यह तीन ही होगा जैसा कि यह चर का मान शून्य हो या एक हो या दो हो क्योंकि यह घटना है जब याचिक का मान दो या दो से कम तो ये तीन छोटी छोटी घटनाओं में हमने तोड़ लिया इन सब का मान हम पूर्व की भांति निकालकर इस प्रायिकता को निम्न से व्यक्त कर सकते हैं सो अभी हमने ये देखा कि किसी कि अगर हमें प्रायिकता द्रव्यमान दिया हुआ हो तो उसकी सहायता से हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं तो प्रायिकता द्रव्यमान परिभाषित होता है जब हमारा असतत याद शिक्षर हो तो असत चाच कुछ सीमित या कुछ निश्चित असीमित मान ही लेता है जैसे कि इस दशा में ये निश्चित असीमित मान ले रहा है लेकिन उसकी प्रायिकता को हमने उसके एक एक जो मान लेने की प्रायिकता के योग से निकाला है तो आप यही विधि का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न का हल हमने प्राप्त किया है